नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। चलिए नजर डालते हैं जिले से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से बीजेपी कार्यकर्ता पूरे समर्पण और संकल्प से सेवा के यज्ञ में जुटे हैं। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कम्युनिटी किचन का अधिशासी अधिकारी के साथ निरीक्षण किया गया। वह जल निगम कार्यालय के पास ठेला खोमचे दैनिक मजदूरी करने वालों को भोजन के पैकेट वितरित किए गए और अलीनगर के शिव मंदिर व मुगल चक और चंदौली नगर के वार्ड नंबर 2 और 5 में 343 बोरी संकटग्रस्त परिवारों को खाद्य सामग्री वितरित की गई। वहीं दूसरी तरफ कोविड-19 संक्रमण से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित आमजनों के लिए नायक की भूमिका निभा रहे नगर पालिका के कर्मचारियों का आज उनकी समाज के प्रति सेवा भाव और समर्पण के लिए सम्मानित किया गया। इस पुनीत कार्य में राघवेंद्र सिंह, सतीश चौहान, दिलीप सोनकर, विक्की सिंह, संतोष जायसवाल, जोहन सिंह, आशीष जायसवाल, रोहित सिंह, मनीष सिंह, बबलू यादव, सुनील श्रीवास्तव, रवि सोनकर, राजेश जायसवाल, अशोक जायसवाल, भरोस जायसवाल व बीजेपी के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इन क्षेत्र के हर घर में भोजन के पैकेट दिए गए और सभी लोगों को हमेशा मास्क और गमछा लगाने का आग्रह भी किया गया। बलरामपुर में विभिन्न कार्यों के लिए नियुक्त किए गए नोडल अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी अमनदीप डूली व अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार शुक्ल द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन किया गया है। इस दौरान जनमानस को किसी प्रकार की समस्या ना हो, इस हेतु नोडल अधिकारी व सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। वहीं ई पास व शेल्टर होम व क्वारंटाइन सेंटर के लिए नोडल अधिकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट व सहायक नोडल अधिकारी तहसीलों के उप जिलाधिकारी को नियुक्त किया गया है। साथ ही कम्युनिटी किचन हेतु नोडल अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी व समस्त तहसील के तहसीलदार को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया। साथ ही दवा आपूर्ति की निर्बाध व्यवस्था हेतु खाद्य सुरक्षा औषधि अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने एक्सियन विद्युत को क्वारंटाइन सेंटरों पर विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया। मुख्य विकास अधिकारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया कि समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युत व्यवस्था, पेयजल, बाउंड्री आदि की व्यवस्था हो। अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को क्वारंटाइन किए जाने हेतु उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा सकता है। बैठक में इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी अमनदीप डूली, अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार शुक्ल, SDM बलरामपुर सदर नागेंद्र यादव, बेसिक शिक्षा अधिकारी EO बलरामपुर, उपायुक्त वाणिज्यकर इम्तियाज सिद्दीकी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।